आज की इस वीडियो में आपको करण कुंद्रा की वो लाइव पहला इंटरव्यू दिखाने वाले हैं जो कि उन्होंने बिग बॉस की लास्ट एंट्री के बाद अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ तमाम सपोर्टर से, तमाम फैन से बात की और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, जिन जिन लोगों ने प्यार दिया है, उन सबको एंड थैंक यू। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मेरा वक्त आ चुका है और मैं अब यहाँ से सिर्फ बात कीजिए करण कुंद्रा की तो इस टाइम पर वो टेक ऑफ करने जा रही हैं अपने न्यू मूवी के एक लॉन्च के लिए, एक न्यू मूवी पर शूटिंग के लिए और बहुत सारा काम करना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ काम करूंगा और काम के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। और पीछे से एक बंदे ने कहा कि शादी भी तो करनी है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, शादी तो करनी ही है और जैसे मुझे प्यार हो गया है तो मुझे उम्मीद है कि और सब लोगों को प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तेजस्वी से प्यार हो चुका है और अब हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। टेक ऑफ करूंगा और आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई अश्योर यू। अब इसके आगे सिर्फ काम करना है, प्यार करना है और हाँ क्या शादी। ये मेरे अपने खुद के बंदे इकट्ठे हो जाओ यार, सारे प्यार में आ जाओ, क्योंकि मुझे हो गया तो आप लोगों को भी हो ही जाना चाहिए। और जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो मैं हगा, जो सब लोगों ने किया, अब इट्स द टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट्स द टाइम टू ब्रेस। जैसिका ब्राइटन अप जय माता। अपनी तमाम फॉलोअर्स जो कि पीछे से इनके इंस्टाग्राम को हैंडल करते रहे, उन तमाम लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद कहा और फिर अपने फॉलोअर्स जो कि एकदम से उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, उनका भी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ज्यादा साथ, मोहब्बत और सपोर्ट दी और मेरे फॉलोअर्स भी इतने ज्यादा हो गए। ब्राइट एंड अपवर्ड्स, हमेशा यू नो नीवे होके, लेकिन हमेशा फोकस्ड। जैसे कि मैं गेम में था, हमेशा वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द फाइनल। एक सेकंड ना, डिमांड है ये कोई। और उसी वक्त पर उनके बाप यानी कि करण कुंद्रा के डैडी जान वहाँ पर आए और उनके साथ उनको कहीं ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी में हूँ, इस टाइम में और ज्यादा लाइव नहीं ला सकता, ना इंटरव्यू दे सकता हूँ, लेकिन खैर बिग बॉस जो कि हर वक्त मेरे बिग बॉस बने रहते थे, मुझे कहते थे कि माइक नहीं पहना हुआ, गलत बातें कर रहे हो, सही बात करो, सही तरह चलो। अब कहीं आए मेरे घर में और फिर मुझे रोके टोके। यहाँ पर मेरे बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड है। तो डैड से बिग बॉस बनाते हुए, डैड को तमाम फैंस और तमाम फॉलोअर्स को डैड को इंट्रोड्यूस करवाते हुए करण कुंद्रा बहुत ज़्यादा कूल भी लग रही थी और साथ साथ उनके डैड भी इंग्लिश बोलते हुए बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। मास्क ला दो। नहीं नो बेटा, एक तो इनको लगता है कि ये हीरो हैं। ते बिना बिग बॉस की रोक टोक के अब मैं जो फट्टे चकने वाला हूँ, मेरे को थोड़ा ऑल द बेस्ट कहना। ते आई शैल सी यू गाइस वेरी सून, बाय बाय बाय। व्यूअर्स, आपका करण कुंद्रा का लाइव आना और इस तरीके से उनका तमाम फॉलोअर्स, तमाम सपोर्टर्स को धन्यवाद कहना कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।